एहसास राशन जो 1 रुपए की सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए की, माफ कीजिएगा, सब्सिडी दी जा रही है। एहसास राशन प्रोग्राम के बारे में हम सुनते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी निकले हुए थे, आवाम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जरा सिंध के मामला में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आवाम को किस तरह कितना रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रहे हैं, घी आटा और दाल। आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1,000 रुपए की सब्सिडी एक खानदान जो है वो महीने में ले सकेगा। सुना आपने, 1,000 रुपए फी खानदान। 1,000 रुपए की सब्सिडी एक खानदान जो है वो महीने में ले सकेगा। लेकिन अवामी मार्च करने वाले, अवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाने वाले, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। सिंध वासियों को किसी भी तरह सस्ता आटा चीनी और दाल देने को तैयार नहीं। सिंध के अवाम के नसीब में 1,000 नहीं बल्कि सिर्फ 350 रुपए हैं, क्योंकि उनका कसूर है ये सिंध वाले हैं। अभी हमारे घर में एक दिन रह के तो देखे, आज खाते हैं कल की फिक्र होती, यूटिलिटी का चक्कर लगाते हैं हम कि कुछ घी सस्ता मिल जाए, कुछ सस्ता। एक महीने से आ रहे, ये भी गंवाए, कुछ नहीं मिल रहा है। पंजाब में होते तो 1,000 रुपए तो क्या 1,500 भी मिल जाते, मगर हम सिंध में रहते हैं ना, जिस वजह से हमें जो है ना सिर्फ 350 रुपए की मसलन की बचत हुई है, तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है हम लोगों के साथ। दूसरे सूबों में जो 1,000 रुपए की बचत हो रही है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत से कि यहाँ पे 300 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ पे भी 1,000 रुपए की बचत की जाए। यहाँ पे ये बोला कि कम से कम 350 रुपए का, वो भी महाना में जाके 350 रुपए, तो बंदा क्या लाइन लगाए ख्वार हो यहाँ पे यूटिलिटी के चक्कर में। आखिर सिंध वालों को कम सब्सिडी मिलने की वजह क्या है? सिंध की कंफर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं, पूरी पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 35% इसका जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत डालेगी एहसास प्रोग्राम के तहत, और जो 65% इसका हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत और फेडरेटिंग यूनिट्स डालेंगी। मामला कुछ यूं ही है कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ मिलकर आवाम को सहूलत देने को तैयार नहीं। हेल्थ कार्ड पर सवाल करें तो सिंध सरकार कहती है इससे तो प्राइवेट अस्पतालों की चांदी होगी, हम तो सरकारी अस्पताल संवारेंगे। लेकिन गरीब को सस्ता आटा ना देने की क्या मंतक है, खुद ही सुन लें। आज जो हालात हैं, इन हालात में यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा NFC का शेयर है वो भी वफाक हमें नहीं दे रही, हमें अपना पूरा शेयर पिछले 3.5 साल से नहीं मिल रहा, तो कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम अपने जो है प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी हमारे लैकिंग है इसमें कोई फंडिंग कर सकेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि 350 रुपए और ये 650 रुपए ये किस किस्म का रिलीफ है? ये मजाक उड़ाने के बराबर है आम पब्लिक का, पाकिस्तानी लोगों का। आपको भाषण भी चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाने वाली सिंध हुकूमत गरीब को सस्ता आटा चीनी फराहम करने के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद नैयर, समा, कराची।